सही, डिस्क्रीट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं? द डिस्ट्रीब्यूशंस कंसीडर्ड आर ऑल मॉडल्स फॉर द नंबर ऑफ समथिंग, यानी डिस्क्रीट उसमें होती है कि आप उसको नंबर कर सकते हैं, जाहिर है क्या हो सकता है, यानी नंबर ऑफ सक्सेस है। या फिर नंबर ऑफ फेलियर है। सही, द वैल्यू अज्यूम्ड बाय द वेरिएबल्स आर इंटीजर्स, और जो इसके अंदर वैल्यूज है वो क्या होंगी? इंटीजर्स होंगी, और उनको क्या रेफर किया जाएगा? एज काउंटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो पहली डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, बट दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास मेन है। और मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बायनोमियल, तो स्टार्टिंग ऑफ विद बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली बायनोमियल इज अ टाइप ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये क्या बात हो गई? तो मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? बर्नौली है, बर्नौली पहले आई है, फिर उसके बाद हमने बायनोमियल को उसी को आगे वेरीफाई किया। बायनोमियल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन ट्रायल्स। अगर मैं एन नंबर ऑफ ट्रायल्स देता हूं एन, सच डेट इसकी प्रॉपर्टीज क्या? डेट द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ओके, एंड नेक्स्ट दैट द ट्रायल्स आर आइडेंटिकल। इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज। व्हाट डू यू मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रायल्स जो है वो आइडेंटिकल? इट मीन्स कि अगर सक्सेस एक में है तो वही सक्सेस अलग है, अगर एक में फेलियर है तो वही फेलियर आगे। सही, तो ये क्या कहलाते हैं? इसकी प्रॉपर्टी जो है बायनोमियल की, ये कहलाती है क्या? इंडिपेंडेंट और आइडियल आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटर, यानी आईआईडी। इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये सब। सही, अच्छा, इसके अंदर यानी हमने अभी बात की कि क्या होगा, एक सक्सेस होगी और एक क्या होगा? फेलियर होगा। इसके जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स क्या होते हैं? इसके जो पैरामीटर्स जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है, इसको हम लोग उस तरीके से लिखते हैं, एक्स इज फॉलोइंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड और थीटा। थीटा क्या है? ये पी है, इसको आप लोग पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी आप इसको डिनोट करते हैं। सही है, तो यानी ये क्या हो गया? एन कॉमा पी भी आप इसको लिख सकते हैं, एक्स इज फॉलोइंग बायनोमियल। ठीक है, आगे चल के आप इसके जरा सवाल थोड़े से देखिए कि इसमें दो ही चीजें, यानी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो चीजें आती है मेन। अब जरा इधर देख लेते हैं, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी वन है, एक प्रोबेबिलिटी पी जो है वो किसकी हो गई? सक्सेस की हो गई। अगर सक्सेस की होगी तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी को मैं अज्यूम क्या करता हूँ कि क्यू है, तो पी प्लस क्यू से दो ही चीजें होती है इसमें, किसके इक्विवेलेंट है? वन के इक्विवेलेंट है ना, तो क्यू क्या आ जाएगा? वन माइनस पी। अच्छा, इसकी जो मीन है, मीन यानी म्यू, वो किसके इक्विवेलेंट है? एन मल्टीप्लाई बाय पी इज इक्वल टू एन पी। और इसकी जो वेरियंस है, एन इंटू पी इंटू क्यू, या फिर हो सकता है एन इंटू पी इंटू वन माइनस पी।
एक ही बात हो गई, क्यू के बदले मैंने 1 माइनस पी इसकी प्रॉपर्टी लिख दी, सही। ये बात अब आपको क्लियर हुई। तो ये आपके पास क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई।